हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कोस्टल रूट के पहले राइडिंग व्लॉग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला राइडिंग व्लॉग होगा, आई होप आपको पसंद आएगा। सो पहले राइडिंग व्लॉग पर आज हम जस्ट एक नॉर्मल सा राइड लेने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा, हमने लिया है GoPro Hero 10, जिसको हमने लास्ट वीडियो पर अनबॉक्सिंग किया था। GoPro सब कुछ मेरे हेलमेट पर अटैच करके हो चुका है। सो आपको मालूम ही होगा, एक बार मैंने मोबाइल मोटो व्लॉगिंग का वीडियो बनाया था। सो उसका कुछ मटेरियल्स मतलब एक्सेसरी सब कुछ मेरे पास है, जैसा कि माउंट है, स्ट्रैप है, वो सबको मिनट पर लगा के हो चुका है, जिसको हमने अटैच कर लिया है हेलमेट के साथ। अभी जस्ट राइडिंग के व्लॉग को हमें स्टार्ट करना है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिएगा, और साइड में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कोस्टल रूट के पहले राइडिंग व्लॉग को आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो ये रहा दोस्तों मेरा सेटअप। फाइनली मैंने GoPro इस पर हेलमेट पर अटैच कर लिया है। सो ये आपने देखा होगा, ये GoPro का स्ट्रैप है, जिसको जब मैंने मोबाइल मोटो व्लॉगिंग का वीडियो बनाया था तब मैंने परचेस किया था, जो कि आज जाके मुझे हेल्प हो रहा है। सो ये रहा मेरा GoPro Hero 10। उसके बाद आप इसके नीचे देख सकते हो, तो माउंट सब कुछ मैंने लगाया है। सो ये सब कुछ एक्सेसरीज है इसके। ये एक्सेसरीज मेरे पास पहले भी थे, है अभी भी है, लेकिन ये इतना मुझे GoPro के बैग में आया था। दोस्तों अभी हम हेलमेट पहन कर GoPro सब कुछ अटैच करके रेडी हो चुके हैं एक छोटे से राइड लेने के लिए। तो दोस्तों ये अभी हम वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा GoPro से आ रहा है अभी। सो अभी GoPro लेकर अभी हम मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो गाड़ी मैंने ऑलरेडी ऑन किया है, तो अभी हम चलते हैं जस्ट एक नॉर्मल सा राउंड मारने के लिए। तो जस्ट हम देखते हैं किस तरह से हमें आज का वीडियो का जो क्लैरिटी है मिलता है, वॉइस क्लैरिटी किस तरह से मिलता है। इंग्लिश तो सामने से हमारे संतोष अंकल आ रहे हैं, संतोष अंकल अपने गाड़ी के साथ तो चले गए संतोष अंकल। तो यहाँ से अभी लेफ्ट लेकर जाना है हैंगिंग ब्रिज के लिए। तो अभी शाम का टाइम है, थोड़ा बहुत गाड़ी संभाल के भगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, तो ध्यान से हमें भगाना पड़ेगा गाड़ी को। तो हैंगिंग ब्रिज के पास हम पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है, 900 से 1 किलोमीटर ही होगा हैंगिंग ब्रिज तक। ये रहा हैंगिंग ब्रिज। तो हैंगिंग ब्रिज के पास की हैंगिंग ब्रिज से पास से होकर जा रहे हैं अभी। साइड ट्रैक है, इनका स्पॉट भी है। तो ये सब कुछ जगह हमने कवर कर ली है, लेकिन सिर्फ दो बोट पर हमने राइड नहीं लिया है। तो यहाँ से पाम आइलैंड के लिए जाते हैं। पाम आइलैंड डिस्कवर अ डिफरेंट वर्ल्ड। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रोड है ना, ऑफ रोडिंग जैसा ही है। अरे कितना साल से ऐसा ही है, ये रोड एक ठीक भी नहीं करते हैं, पूरा ऊपर नीचे। वहाँ पे सब कुछ बढ़िया रोड से, देखिए ये देखिए, ओ भाई मेरा टायर गया, गाड़ी का बाइक भी गया। ओ देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा है, तो आगे आगे थोड़ा गया है रोड, देखा ही नहीं मैंने। चलिए चलिए चलते हैं। तो नीदमबली रोड पर पहुंच गए हम, नीदमबली रोड पर जा रहे हैं। सो यहाँ पर है ना उड़न ब्रिज पड़ता है, जैसा कि मैंने एक बार आपको दिखाया था उड़न ब्रिज, जो कि मैंने लगता है लोकल लैंग्वेज पर किया था। सो अगर आप हैंगिंग ब्रिज पे आते हो, हैंगिंग ब्रिज देख के आपका हो चुका है कुछ नया चीज़ मतलब डिफरेंट देखना चाहते हो, तो यहाँ पर जस्ट थोड़ी दूर पर आपको एक उड़न ब्रिज दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब नॉर्मल ब्रिज है, पहले कुछ उस टाइप का नहीं था,
लेकिन अभी थोड़ा बहुत उन्होंने उसको रिनोवेशन करके थोड़ा बहुत मरम्मत करके उसको अच्छा किया है। इस साइड पर एक रिवर, तो वो मेरा लगता है 60 या 62 भाग होगा, मुझे थोड़ी हिंदी मालूम नहीं। मुझे यहाँ पर भी बहुत वो ऊपर नीचे ब्रिज, थोड़ा आगे राइट लेकर जाना है उदल पट्टी के लिए, ऐसे नहीं थोड़ा आगे जाना जाना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट लेंगे तो सीधा घर हमारा पहुँच जाएंगे कमांड ब्रिज से होकर। और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया प्यारा लोकेशन है। जब भी मैं कॉलेज से रिटर्न आता था और कहीं से जाके रिटर्न आता हूँ, अभी भी इस रास्ते से ही रिटर्न आता हूँ, क्योंकि ये जगह का लोकेशन थोड़े बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इतना शेड है यहाँ पर, तो मेन रोड पर आएंगे तो आपको धूप ही मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही शेड है और बहुत ही कूल प्लेस है। अभी भी मुझे थोड़ा बहुत कूलनेस फील हो रहा है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है ना, थोड़ा बहुत कूल महसूस होता है। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत तेज भगाते हैं, गोप्रो का स्टेबिलाइज मतलब गोप्रो हीरो 10 का मानना पड़ेगा, बहुत ही स्टेबिलाइज होता है गोप्रो का वीडियो। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगाते ये रहा हमारा कमान का ब्रिज, पहुंच गए हम ब्रिज के पास, पूरा एक राउंड मारकर हम पहुंच गए। अभी यहाँ से स्ट्रेट गए थे हम, अभी यहाँ से लेफ्ट लेकर चलना है हमें घर। जस्ट देखते हैं आज का सब कैसा आया है वीडियो, थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए टाइम जाएगा, 2 दिन का एडिटिंग करने के लिए बैठना पड़ेगा, सिंपल होगी। सो पहुंच गए हम घर फाइनली। दोस्तों आज के व्लॉग पर बस इतना ही, होप आपको मेरा आज का नॉर्मल सा राइड पसंद आया हो। तो सो आज के वीडियो पर आपने जो भी वीडियो देखा होगा, जो भी ऑडियो आपने सुना होगा, वो सीधा मेरा गोप्रो का ही था। आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स में लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो पर, बाय।